SG24 में आपका फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं अहमद कुरैशी। नांदेड़ जिला माफियाओं को लेकर काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। रेती माफिया, राशन माफिया, गुटखा माफिया वगैरह वगैरह। कुछ महीनों पहले रेती माफियाओं को लेकर नांदेड़ चर्चा का विषय बना हुआ था। धर्माबाद DYSP द्वारा रेती माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद कई महीनों तक रेती माफियाओं का रेती की कालाबाजारी करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब धीरे धीरे से रेती माफियाओं ने भी सर निकालना शुरू किया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद SP चंद्रकिशोर मीना द्वारा करोड़ों के सरकारी राशन की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया गया था और जिसके बाद जांच CID को सौंपी गई थी। 4 राशन माफिया गिरफ्तार किए गए। लोगों को लगा इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद गरीबों के मुंह का निवाला छीनने वाले राशन माफियाओं का बाजार अब बंद हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया था, जो काबिले तारीफ था, लेकिन कहीं कुछ चूक हुई ऐसा नांदेड़ शहर में चर्चा हो रही है। वह इसलिए क्योंकि आज भी उमरी इलाके से राशन की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है और इस राशन माफिया की कई गाड़ियां पर मामले भी दर्ज हो चुके हैं। आज भी ग्रामीण पुलिस थाना अंतर्गत 4119 नंबर का ट्रक खड़ा है, जिसमें राशन का माल भरा हुआ है, जिस पर मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक माफियाओं को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस माफियाओं की और उस गाड़ी की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आज नांदेड़ पुलिस ने SP संजय यादव इनके मार्गदर्शन में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 125,000 का गुटखा जब्त कर सराहनीय कार्य किया है, जिससे नांदेड़ पुलिस प्रशासन की बुद्धिजीवी वर्ग में सराहना की जा रही है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इतवारा पुलिस थाना अंतर्गत टायर बोर्ड देगलुर नाका इलाके से भी गुटखा बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। नांदेड़ जिला SP से बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा उमरी इलाके से गोंदिया के लिए काला बाजार में बेचा जाने वाला सरकारी राशन पर रोक लगाकर माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने और दिगर बचे हुए गुटखा माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। 125,000 का गुटखा जब्त करने के बाद नांदेड़ SP संजय यादव इनका बयान। बहुत दिन से हमारे पास में तकरार आ रही थी कि नांदेड़ जिले में बहुत जगह से गुटखा ट्रांसपोर्ट हो रहा है और यहाँ पे बिक्री हो रही है। यहाँ पे एक चीज हम लोगों को मतलब हर एक दुकान पे जाके छोटी छोटी केसेस करके कुछ फायदा नहीं हो रहा था। अन्न और औषध प्रशासन, ये इनके साथ में हम लोग बहुत दिन से जुड़े हैं और काम कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा कंसाइनमेंट मतलब यहाँ पे छोटी छोटी दुकानों पे कार्रवाई करने के बजाय अगर मेन कंसाइन जहाँ से आता है उसको ही ट्रैप करने की हमारी कोशिश थी। लेकिन आपको सभी को मालूम है कि ये सभी जितने भी है फुल सील कंटेनर में ये माल आता है, तो इसकी जानकारी बाहर जब तक आती नहीं है तब तक हम लोगों को इस पर कार्रवाई करना मुमकिन नहीं हो रहा था। लेकिन हमने कुछ इन्फॉर्मेंट्स ऐसे तैयार किए हैं जिसकी वजह से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली और कल रात को हमने इसमें 2 बड़े ट्रक, एक ट्रक और एक बड़ा कंटेनर, ये दोनों हमने इसको कल सीज किए हुए। और जो अन्न और औषध प्रशासन के जो हमारे कावड़े साहब है उनके सामने हमने वो खोल के पंचनामा करके देखा तो एक ट्रक में अंदाजन 25,36,000 का माल है और दूसरे इसमें 91,09,000 इसमें दोनों में ट्रक और कंटेनर की भी वैल्यू इंक्लूडेड है। ऐसा कुल मिला के 1,01,16,45,000 का टोटल हमने माल सीज किया हुआ है। इसमें जो भी है जिन्होंने वहाँ से ये लोड कर दिया है माल, जिनके नाम पे यहाँ आने वाला है, जो ट्रांसपोर्ट किया हुआ है, ये सभी लोग जो है इन सभी लोगों को हम इसमें आरोपी करेंगे और इसमें जो भी है कानूनी की सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हम पुलिस वाले जो है हमने एक युवा संवाद करके कार्यक्रम किया तैयार किया हुआ है जो 8 महीने से चल रहा है, जिसमें हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में जाके हमारा पुलिस स्टेशन का जो अधिकारी है वो बच्चों के साथ में एक लेक्चर तैयार कर देता है, उनके साथ में डिस्कस करता है, जिसमें लड़कियों की जो छेड़खानी होती है या गुटखा पान तंबाकू ये खाना होता है, सिगरेट पीना ये होता है, इसके अलावा उनके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ट्रैफिक रूल्स,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी चीज़ें हम लोग उनके साथ में डिस्कस करते रहते हैं। और मुझे आशा है कि इस वजह से ये हमारे जो एफर्ट्स है इसकी फलश्रुति जो है, बहुत सारे बच्चे जो है वो इससे दूर रहेंगे। और हमारे साथ में जितने भी जिस किसी को भी ये गुटके की अगर पान जर्दा इनकी अगर मालूमात मिलती है तो ये तुरंत हमारे पुलिस स्टेशन या हमारे कंट्रोल रूम को दी जाए, तो हम लोग इसमें आवश्यक कानून